करनाल के एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को जीवन में उतारकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जिस पर चलकर प्रदेश और देश भर के नौजवान स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। युवक महेश वर्मा देश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक जीवंत उदाहरण है जो नौकरी की तलाश में है। उन्होंने नौकरी के बजाय एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर ध्यान लगाया जिससे स्वयं रोजगार पा सके और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना सके। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर महेश वर्मा कुछ समय पहले नोएडा की एक कंपनी में 5,000 रुपये की नौकरी करते थे। महेश ने अपने शिक्षा कौशल का प्रयोग करते हुए टेक्नोलॉजी और मोबाइल के औजार बनाकर चैंप कैश नामक एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप तैयार वर्मा ने चैंप कैश नामक एक ऐसे एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है जिससे ऑनलाइन बाजार की अवधारणा को जहां घर घर तक पहुंचाया है वहीं रोजगार के अवसर भी लाखों लोगों को दिए हैं। आए देखें ये रिपोर्ट। करनाल के युवक महेश वर्मा ने जो कभी मात्र 5,000 की नौकरी करते थे आज डिजिटल क्रांति के वाहक बने नजर आ रहे हैं। उनके एक स्मार्ट आइडिया ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा किया है जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर महेश वर्मा जो कि कुछ समय पहले तक खुद नोएडा की एक कंपनी में 5,000 रुपए की नौकरी करते थे ने अपनी एजुकेशन स्किल का प्रयोग करते हुए तकनीक और मोबाइल को औजार बनाकर चैम कैश नामक एक ऐसी एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है जिसमें वो सब कुछ है जो आम आदमी की जिंदगी को आसान और सुविधाजनक बनाता है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और बचपन से मुझे शौक था कि मैं सॉफ्टवेयर बनाऊं। जब मैंने बीटेक कंप्लीट की अपनी तो उससे बीटेक कंप्लीट करते पहले तो मैंने जॉब ढूंढी। जॉब नहीं मिलने पे फिर मैंने बहुत कोशिश की, फिर मुझे एक जॉब मिली भी और मैं 5,000 की सैलरी में मैंने जॉब की। और पर मेरा सपना ये नहीं था, मेरा सपना ये था कि मैं कुछ अपने भारतवर्ष के लिए, अपने कुछ नौजवान लोगों के लिए कुछ कर सकूं ताकि टेक्नोलॉजी के साथ सभी लोग, मैं ही नहीं, सभी लोग इनकम कर सके। और हमने इसी कारण से चैंप कैश को शुरुआत की और लोगों को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार दिया। एक छोटी सी नौकरी से लेकर करोड़ रुपए की चैंप कैश कंपनी खड़े करने वाले महेश वर्मा ने बताया कि उनका मकसद पूरे भारत को डिजिटल बनाना है और ऑनलाइन बाजार की अवधारणा को घर घर तक पहुँचाना है। इससे जहाँ उत्पादकों को बड़ा बाजार मिलेगा वहीं आम जनता को घर बैठे ही अपने मनपसंद उत्पाद हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़कर कोई भी व्यक्ति बिना पैसा निवेश किए रोजगार भी पा सकता है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम लोग बोलते हैं कि कोई डिजिटल काम किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे टेक्नोलॉजी को जोड़ के हम उससे कुछ लोगों को रोजगार दे सके। हम डिजिटल इंडिया का तो साथ दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमने एक स्टेप और ऊपर उठे। डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम लोगों को मुफ्त में रोजगार भी दे रहे हैं। जी हाँ, हमारी कंपनी के साथ, चैंप कैश कंपनी है हमारी कंपनी का नाम, और चैंप कैश कंपनी के साथ आज के समय में 65 लाख लोग जुड़ चुके हैं। एक साल में हमारे साथ 65 लाख लोग इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि हम किसी से पैसा नहीं लेते, हम सिर्फ पैसा देते हैं। पर चैंप कैश कंपनी पहली ऐसी कंपनी हमने बनाई जिससे हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखने का भी पैसा देते हैं, गेम खेलने का भी पैसा देते हैं, ऐप इंस्टॉल करने का भी पैसा देते हैं और वीडियो देखने का भी पैसा देते हैं। तो यहाँ से आज के समय में 65 लाख लोग जो जुड़े हैं वो सभी लोग चैंप कैश से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जब स्टूडेंट से हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि सॉफ्टवेयर के साथ हम पिछले 6 महीने से जुड़े हैं। इसके माध्यम से वे अभी तक 70-80 हजार रुपए के करीब कमा चुके हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन्होंने अपनी कॉलेज फीस भी भरी है। वे अपनी पॉकेट मनी में ही इसी के माध्यम से कमा रहे हैं। 7 to 8 months से वर्क कर रहा हूँ और आज तक की मेरी इनकम 90,000 प्लस की टोटल इनकम है चैंप कैश से। तो चैंप कैश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक सपना पूरा कर सकता है। आम आदमी का जो सपना देखते हैं और एक चैंप कैश प्लेटफॉर्म के थ्रू सपने सफल हो सकता है। उसने मेरी स्टडी में मेरा बहुत साथ दिया और चैंप कैश मैं जब भी अपने, मतलब मुझे पॉकेट मनी की जरूरत होती थी या मेरी जो फीस है कॉलेज की, उन सभी को मैंने चैंप कैश से ही अर्न करके जमा किया क्योंकि मैं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, उस वक्त मुझे चैंप कैश मिला और मैंने, उसने मेरा बहुत साथ दिया। महेश ने बताया कि इस व्यवस्था से न केवल देश का पैसा देश में रहता है अभी तो सरकार को टैक्स के रूप में भारी आय भी अर्जित होती है। उन्होंने कहा कि आज तक किसी कंपनी ने अपना विज्ञापन देखने का पैसा किसी दर्शक को नहीं दिया होगा लेकिन उनकी एप्लीकेशन से जुड़ने वाले व्यक्ति को हर विज्ञापन देखने व गेम खेलने से लेकर खरीदारी करने तक पर निश्चित पैसा हासिल।